नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आई के लेवल यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने आज ही एक वीडियो बनाया था बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट टू रिजल्ट सॉल्यूशन को लेकर के, यानी कि यूनिवर्सिटी को आपको रिपोर्ट करना है और वो रिपोर्ट आपको 3 दिनों बाद होगी। मतलब आप रिपोर्ट करें यूनिवर्सिटी को कि आपका डुप्लीकेट रोल नंबर पूछा जा रहा है, जबकि आपको वो डुप्लीकेट रोल नंबर पता ही नहीं है। जब भी आप पोर्टल पर चेकआउट करते हो तो आपको बोलता है डुप्लीकेट रोल नंबर बताने के लिए और रजिस्ट्रेशन नंबर से रिजल्ट देखने के लिए। तो यहाँ तक कि इनफैक्ट ये भी बातें हैं कि रिजल्ट पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे देखने पर गलत बता रहा है, कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डुप्लीकेट है। तो ये कारण क्या है कि एक ही रोल नंबर जो है कई बच्चों को अलॉटेड कर दिया गया है, और ये गड़बड़ियाँ जो है टीआर जो भी भेजा जाता है कॉलेज से, तो जब कॉलेज से टीआर जो भेजा जाता है यूनिवर्सिटी को, तो उसमें जब भी गड़बड़ियाँ पाई जाती है तभी जाकर के आपका रिजल्ट जो है गड़बड़ हो जाता है। तो यही पे माननीय मनोज कुमार जी ने यहाँ पे आज ऑफिशियली पोस्ट के द्वारा आप सभी को बताया है कि पार्ट टू के छात्र 3 दिनों के बाद पेंडिंग सुधार के लिए आवेदन करें। बहुत सारी समस्याओं का सामना विश्वविद्यालय स्तर पर स्वयं होगा, मतलब कि जितने भी समस्याएं हैं वो खुद ब खुद ठीक की जाएंगी विश्वविद्यालय की तरफ से। तो आप सब निश्चिंत रहिए और 3 दिनों के बाद जो है आवेदन करें, यानी कि अप्लाई करें। अब इसके लिए क्या रिपोर्ट आता है बाद में आपको माननीय मनोज कुमार जी के ऑफिशियल पोस्ट के द्वारा पता चल जाएगा। तो 3 दिनों के बाद क्या रिजल्ट निकल के आता है ये देखना है हमें, और जो भी रिपोर्ट आएगी आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो भी है आपका रिजल्ट ठीक होगा 100%। घबराएं नहीं, 2 दिनों 3 दिनों का इंतज़ार करें। अब जो है आप सभी को 3 दिनों के बाद ही ये पता चल पाएगा कि जो भी आपका सुधार होगा रिजल्ट में वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये 3 दिनों का इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है मनोज कुमार जी की तरफ से। तो आप सब धैर्य बनाए रखिए और 3 दिनों का इंतज़ार ज़रूर करें, और कॉलेज के संपर्क में ज़रूर रहें, क्योंकि कॉलेज भी है आपको जो है यूनिवर्सिटी से टच में रहती है, तो आपको भी बता सकती है कि आपको आने वाले समय में क्या करना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, कोई आवेदन करना पड़ेगा, तो कॉलेज से संपर्क में ज़रूर से ज़रूर बने रहिए और साथ ही हमारे साथ भी बने रहिए। तब तक चलते हैं हम, धन्यवाद।